मैट्रिक और इंटरमीडिएट के वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम इस्लामियात जमात दहम सूरतुल अहज़ाब रुकू नंबर 6 के मशकी और इजाफी मुख्तसर सवालात के जवाबात पढ़ेंगे। तो आइए बिला तख़ीर लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1, सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम व मनसब बयान किया है? इसका जवाब है कि सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मनसब बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हैं ताकि आपको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाएँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाहिद यानी गवाही देने वाला, मुबशिर यानी खुशखबरी सुनाने वाला, नज़ीर यानी डराने वाला, और दाई इलल्लाह यानी अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, और सिराज मुनीर यानी रोशन चिराग बनाकर भेजा है। सवाल नंबर 2, सूरतुल अहज़ाब में तलाक का क्या ख़ास हुक्म बयान हुआ है? इसका जवाब है कि सूरतुल अहज़ाब में तलाक का ख़ास हुक्म ये बयान हुआ है कि अगर मोमिन मर्द मोमिन औरतों से निकाह करें और फिर इनको छूने यानी वजीफ़ा ज़ौजियत कायम करने या उनसे हम बिस्तरी करने से पहले तलाक दे दें तो उन औरतों पर इद्दत लाजिम ना होगी और उनको कुछ खर्च देकर अच्छे तरीके से रुख्सत कर दिया जाएगा। सवाल नंबर 3, सूरतुल अहज़ाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाह के क्या खसूसी ज़वाबित बयान किए गए हैं? इसका जवाब है कि अगर कोई मोमिना औरत अपने आप को हक महर के बग़ैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में दे दे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उससे निकाह हलाल होगा। निकाह का यह हुक्म ख़ास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, आम मोमिनीन हक महर के बग़ैर निकाह नहीं कर सकते। सवाल नंबर 4, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद क्यों भेजते हैं? इसका जवाब है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाएं। सवाल नंबर 5, किन औरतों से निकाह करना जायज़ है या अल्लाह ने मोमिनीन पर कौन सी औरतें हलाल की हैं? इसका जवाब है कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर वो औरतें जिनको हक महर दिया जाए, लौंडी जो माल गनीमत में मिले, चचा की बेटियाँ, फूफी की बेटियाँ, मामू की बेटियां और खाला की बेटियां निकाह के लिए जायज़ और हलाल करार दी हैं। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हमने इस्लामियात जमात दहम रुकू नंबर 6 के मुख्तसर सवालात के जवाबात पढ़े। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह रुकू नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।